जय माता दी। मित्रों, आज हम बात करेंगे अष्टम महागौरी देवी। भागवती पुराण में माता का विशेष वर्णन किया गया है, महागौरी माता का विशेष विशेष व्याख्यान दिए गए हैं। आठवें दिवस माता का विशेष पूजन, आश्विन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को माता का पूजा का विधान है। इस वर्ष 6 अक्टूबर को माता अष्टमी का पूजन का विधान है। लोग अपने घरों में अष्टमी पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी पूजन करते हैं। अष्टमी पूजन में कोई लोग अपनी पूजा को पूर्ण कर लेते हैं, कोई नवमी की पूजा को पूर्ण करते हैं। नवरात्रि के अधिष्ठात्री देवी नौ दुर्गाओं में विशेष महागौरी का उपमा दी गई है। माँ दुर्गा अपने आठवें रूप में गौरी के रूप में माता का विशेष रूप से व्याख्यान मिलता है। अष्टमी के दिन शुभ तरीके से, शुभ मुहूर्त में अगर आप महागौरी माता का विशेष रूप से पूजा करते हैं, माता आप पर विशेष प्रसन्न होती है। माता को बहुत ज़्यादा श्रृंगार प्रिय है, माता को श्वेत रंग की साड़ी भी विशेष रूप से पसंद है। माता महागौरी का यह कथा है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने वर्षों तक भगवान शिव के प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। माता का रंग काला वर्ण हो गया था भगवान शिव की पूजा करते करते। भगवान शिव ने माता के ऊपर गंगा जल प्रवाहित करके माता को स्नान कराया और माता का जो वर्ण हो गया वह गौर वर्ण हो गया, स्वर्ण की तरह हो गई। माता विशेष रूप से अपनी पूर्ण रूप से महागौरी विशेष कृपा प्राप्ति देवी हो गई। महागौरी विशेष रूप से अगर हम चर्चा करें, महागौरी का अष्टभुजा रूपी हैं। महागौरी अगर हम चर्चा करें, महागौरी की प्रसन्नता का, महागौरी प्रसन्न होती हैं उनके विशेष रूप से भोग लगाने से। माता को रात की रानी का अगर आप फूल चढ़ाएं, चमेली का फूल पसंद है माता को, चमेली का फूल का भी विशेष रूप से आप अर्पण कर सकते हैं। माता का विशेष मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 महागौरी नमस्तुते। यह विशेष रूप से माता का महामंत्र है। माँ महागौरी रूप में विशेष रूप से भोलेनाथ माता के अभी मैं कथा सुनाया कि भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा से माँ गौर वर्ण की हो गई। देवी माँ गौर वर्ण होने के साथ साथ स्वर्ण सदृश दिखती हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय यतः प्रणता अश्मताम। शिव भगवान ने माता गौरी को विशेष रूप से दर्शन दे करके उन्हें परिपूर्ण किया और उनके साथ माता का विवाह हुआ। माता का प्रसन्नता का एक विशेष महामंत्र है, ओम एम हेम क्लीम महालक्ष्मये महागौर्ये नमः। यह माता का विशेष महामंत्र है। माता को खीर का भी भोग बहुत ज़्यादा प्रिय है। आज के ही दिन विशेष रूप से कंचक बिठाने का विशेष विधान है। महागौरी पूजन में कंचक बिठाने का विशेष विधान है। अगर हम चर्चा करें, दिन रविवार है, अष्टम महागौरी का जो विशेष पर्व है वह रविवार का दिन है और प्रातः काल 7:45 से विशेष रूप से महागौरी का पूजन का विशेष विधान है। 11:45 तक आप विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें। इसके बाद 9 कुंवारी कन्याओं को जिनकी आयु 10 वर्ष से नीचे हो और 2 वर्ष से ऊपर हो उनको अपने घर में बुलाइए, उनका पैर धो करके, उन्हें तिलक लगा करके, उन्हें परिपूर्णता से उनको भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद उनको दान दें, उनको पैर छू करके प्रणाम करें और कंचक से विशेष रूप से आशीर्वाद लें। यही कंचक पूजन है और कंचक पूजन इस वर्ष आप कोशिश करें 3:30 से पहले आप कंचक पूजन को पूर्ण कर लें। माँ गौरी की विशेष अनुकंपा होगी। माँ गौरी विशेष रूप से उन लोगों के ऊपर प्रसन्न होती हैं जो देवियों को, बालिकाओं को विशेष रूप से सम्मान देते हैं, विशेष रूप से उनकी सेवा करते हैं। इसलिए आप कंचकों को, कुंवारी कन्याओं को विशेष रूप से आप पूजन करें, कुंवारी कन्याओं को दान दें, उनका सम्मान करें
और उस दिन आप विशेष रूप से महागौरी के समक्ष एक अपने जीवन में आप एक निर्णय लें कि आप अपने जीवन में किसी भी महिलाओं का अपमान नहीं करेंगे, तो माता गौरी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। माँ की अनुकंपा विशेष रूप से उन भक्तों पर होती है जो देवी कन्याओं की पूजन में विशेष रूप से माता का मान सम्मान करते हैं, अपनी माता का मान सम्मान करते हैं, दूसरे की माता का मान सम्मान करते हैं। महागौरी विशेष रूप से आपके और आपके परिवार के जीवन में विशेष सुख समृद्धि यश की प्राप्ति कराएं, यही शुभकामनाओं के साथ ओम महागौरवे नमः।